Hello students, today you will read synthesis, and in synthesis you will read use of phrase in apposition. इससे पहले आपने चार चैप्टर पढ़े हुए हैं जिसमें पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जीरेंट और कल पढ़ा था आपने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट. तो उसी की सीक्वेंस में आज फ्रेज इन अपोजिशन. देखिए क्या होते हैं फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब होता है कि हम किसी भी नाउन अथवा प्रोनाउन को यदि एक से अधिक शब्दों में जानते हैं, बताते हैं, तो उन नाउन या प्रोनाउन का यूज़ कॉमास में आगे बढ़ाकर हम करते हैं. जैसे इसकी डेफिनेशन को ऐसे हम जान सकते हैं, टू सिंपल सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन. तो फ्रेज इन एपोजिशन का ही मतलब होता है कॉमास में हम एक नाउन को अगर हम उससे अधिक शब्दों में जानते हैं तो यूज करें. जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप, हिरोशिमा वॉज वंस अ हीप ऑफ रुइंस, इट इज नाउ अ प्रॉस्परस सिटी. हिरोशिमा एक बार नष्ट हो गया था, यानी ढेर हो गया था, नष्ट होकर खंडहर बन गया था. आपको मालूम है हिरोशिमा नागासाकी जब ये बम विस्फोट हुआ था तब ये बिल्कुल बर्बाद हो गया था, लेकिन इट इज़ नाउ अ प्रॉस्परस सिटी. अब क्या है, ये एक प्रॉस्परस सिटी है, समृद्धवान शहर है. अब इसमें देखिए, हिरोशिमा एक स्थान है और इसी का दूसरा रूप है हीप ऑफ रुइंस. इसके बारे में दो बातें दी हैं, तीसरी बात है अ प्रॉस्परस सिटी. तीन बातें दी गई हैं. अब तीनों बात को हमें बताना है, लेकिन वर्ब आपको एक ही बार यूज करनी है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब दी होती है उसको आपको ओनली वंस टाइम यूज करना है. कोई भी वर्ड आपको नया नहीं लगाना है. आपको बताया था पहले ही कॉमास का यूज करके बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए हिरोशिमा कॉमा, क्योंकि हिरोशिमा के लिए पहले क्या बताया गया, वंस अ हीप ऑफ रुइंस. तो हिरोशिमा कॉमा वंस अ हीप ऑफ रुइंस कॉमा इज नाउ अ प्रॉस्परस सिटी. क्लियर एग्जांपल से. एक और एग्जांपल देखिए, सेकंड नंबर पर, वर्ड्सवर्थ वाज अ ग्रेट पोइट फुल स्टॉप, ही वाज लव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाय ऑल. वर्ड्सवर्थ एक ग्रेट पोइट थे और वह सभी के द्वारा सम्मानित किए जाते थे, प्रेम किया जाता था उन्हें. अब वर्ड्सवर्थ एक नाउन हो गया, सिंगल पर्सन, उन्हीं के लिए ग्रेट पोइट बोला है और उन्हीं के लिए बोला गया लव्ड एंड रेस्पेक्टेड. तीन बातें हो गई, कैरेक्टर एक. अब कैसे यूज करना है आपको ये देखना है हमें. बड़े से छोटे के क्रम में पहचान बताई जाती है. तो वर्ड्सवर्थ कौन है, ग्रेट पोइट. तो वर्ड्सवर्थ कॉमा अ ग्रेट पोइट कॉमा वॉज लव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाई ऑल. मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे. चलिए अब आपकी प्रैक्टिस करा लेते हैं आज. तो आप लोग बनाकर भेजेंगे सेंटेंस को. कैसे आप बनाएंगे सेंटेंस को, ज्वाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन. जिसमें आपका देखिए सेंटेंस नंबर वन क्या है, बॉम्बे वॉज वंस अ फिशिंग विलेज फुल स्टॉप, इट इज नाउ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. अब इसको आपको रिजॉइन करना है, यानी कि एक सेंटेंस बनाना है फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके. टाइम आपके पास 10 सेकंड्स का है. टाइम इज स्टार्ट नाउ.
तो सेंटेंस क्या बना आपका? देखिए, बॉम्बे कॉमा वंस अ फिशिंग विलेज कॉमा इज नाउ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस नंबर सेकंड है, एडिशन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन फुल स्टॉप ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। एडिशन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट, वह एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो आपको अपोजिशन की सहायता से इसको भी बनाना है। टाइम इज स्टार्ट। तो सेंटेंस क्या बना, चेक करिए। सेकंड सेंटेंस, एडिशन कॉमा एन अमेरिकन साइंटिस्ट कॉमा इन्वेंटेड द ग्रामोफोन फुल स्टॉप। ऐसा लग रहा है जैसे आपको सेंटेंस समझ में आ रहे हैं सभी को और क्लियर हो रहा है। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर थर्ड की तरफ। मिदास वॉज अ ग्रीडी किंग फुल स्टॉप ही लिव टू रिग्रेट हिज ग्रीड। यानी कि मिदास था, वह एक लालची राजा था और वह अपने लालच पर पछताता था, यानी पछताने के लिए ही जीता था। तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को आप? टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो मिदास कॉमा अ ग्रीडी किंग कॉमा लिव टू रिग्रेट हिज ग्रीड। क्लियर है? मिदास एक लालची राजा था जो अपने लालच के लिए पछताता हमेशा रहता था। नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर पर है, द पिरामिड्स आर वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड फुल स्टॉप। दे स्टैंड इन द प्लेन्स ऑफ इजिप्ट। जो पिरामिड्स हैं वो संसार के सात आश्चर्यों में से एक हैं और वो इजिप्ट के मैदानों में खड़े हुए हैं। बनाइए सेंटेंस। टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो आंसर क्या रहा इसका आपका, देखेंगे। द पिरामिड्स कॉमा वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कॉमा स्टैंड इन द प्लेन्स ऑफ इजिप्ट। यानी पिरामिड्स के बारे में बताया गया है। तो पिरामिड्स क्या हैं? वंडर हैं साथ ये, और इजिप्ट में हैं ये। इसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाते चलना है। चलिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं। I consulted Dr. Smith, full stop. He is an eminent educationist. अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, I अलग हो गया, Dr. Smith अलग हो गए। अब यहाँ पर बनाने का जो मेथड होगा, पहले आपका चेक कर लेते हैं, देखें आप अपना दिमाग कितना लगा पाते हैं यहाँ पर। टाइम इज स्टार्ट, बनाइए। जो मोटिव है वो है सिर्फ एक सेंटेंस बनाना एक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से। तो क्योंकि आई के संग कंसल्टेड लगाना नेसेसरी है, तो आई कंसल्टेड डॉक्टर स्मिथ लगाएंगे ही लगाएंगे। अब डॉक्टर स्मिथ के बारे में दूसरा वर्ड दिया गया है एजुकेशनिस्ट, तो हम कॉमा लगा के इसको लगा देंगे, एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। क्लियर हो गए होंगे ये फ्रेज इन अपोजिशन। और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे आपके सिंथेसिस, उसके बाद आपका एक टेस्ट फिर से लेंगे सिंपल सेंटेंस का, जिसमें कि आपके मिले जुले सेंटेंस होंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप सभी हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। तो कंटिन्यू जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, जिससे कि आपके पास सारे मैसेजेस पहुँचते चलें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, बाय।